पहली बात तो यह है कि निमंत्रण जितने लोगों को गया उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत मतलब अपनी मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपने खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है, कितने लोगों ने स्वीकार किया है। कोई स्थापित हमारे धर्म गुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं, मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन बना दिया। आपको क्या लगता है सर, निजी तौर पे जो निमंत्रण की जो आप जिस तरीके से बात करें, जिन लोगों को निमंत्रण दिए गए, चाहे वो कई कई हमारे शंकराचार्य हों, और जो ये निमंत्रण की लिस्ट बन रही है, आपको क्या लगता है कि और इन्हेंस तरीके से बननी चाहिए? क्योंकि आपने पहले खुद निमंत्रण छोड़ दीजिए, बात निमंत्रण की बात अलग कर दीजिए। हमें तो इस बात की आपत्ति है कि निर्माण पूरा हुआ नहीं, हमको खुद को मालूम नहीं था कि निर्माण पूरा नहीं हुआ है, बाद में पता पड़ा। जब निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा किस बात की हो रही है? ये शास्त्रों के विपरीत है, धर्म के विरुद्ध है, अधर्म काम कर रहे हैं वो लोग। सर इस पर आपको क्या कहेंगे आप कि जो जिस तरीके से तो आप कह रहे हैं कि भाई अधूरा काम हो रहा है, और जो स्टेटमेंट थी उसमें यह भी कहा गया था कि चुनावों को देखते हुए, आपको लगता है कि क्या इसमें चुनावों को देखते पूरी हुए पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा बना के लाभ लेने का ये कुटिल प्रयास है? अरे रामलला का अवतरण हुआ था रामनवमी पर, रामनवमी पर करते, क्यों नहीं कर रहे थे? चुनाव से फायदा लेना है इसलिए अप्रैल में बिना मुहूर्त के, बिना मंदिर के निर्माण पूरे हुए वे करने जा रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों के विपरीत है, अधर्म है, धर्म के विपरीत है। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने तो निर्माण में चंदा भी दिया था, आपसे पहले हमारी बात हुई थी, आपने कहा था बड़े पॉजिटिव हैं और सोनिया गांधी भी बड़ी पॉजिटिव हैं और कांग्रेस का एक दल जाएगा भी, तो क्या क्या आप लोगों को कब ये ऑब्जर्वेशन ये लगने लगी, इस तरीके की वाइब्स आने लगी कि ये चीजें जो है एक राजनीति की तरफ मुड़ती चली जा रही? बात यह है कि पूरे तरीके से इसका भाजपाईकरण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पूरी उसमें उनका पूरा कंट्रोल दे दिया गया है। हमें इस बात की आपत्ति है, विश्व हिंदू परिषद का लेना देना क्या है इसमें राम मंदिर के निर्माण में? इसमें तो जो आंदोलन किया था वो वहां के अयोध्या के कुछ लोगों ने और गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने किया था। आके कभी इसके बाद 22 तारीख के बाद उसके बाद भी क्या जाएंगे आप? हाँ, हमको राम मंदिर में जाने में हमको एतराज हो, हमको तो खुशी खुशी जाएंगे लेकिन पूरा तो हो जाए।